नमस्कार, आप देख रहे हैं जियो न्यूज। तो वक्त हो गया है सुबह की ताजा तरीन खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बटन को जरूर से दबा दें ताकि हम जो भी वीडियो डालें आप तक पहुंचती रहे। यूपी में उपचुनाव, इस बार कैडेट और जमीन से जुड़ी नेताओं को मिल सकती है बीएसपी का टिकट। लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद बहुजन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मायावती उपचुनाव को लेकर के राजनीति समीकरण बनाने में जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश की 13 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए मायावती अपने कैडेट और जमीन से जुड़ी नेताओं को चुनावी मैदान में उतारने की रणनीति पर काम कर रही है। समाजवादी पार्टी से नाता तोड़ने के बाद ही मायावती ने उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। बसपा प्रदेश के उपचुनाव के लिए जल्द ही प्रत्याशियों का नाम ऐलान किया जा सकता है। आधार से लिंक हो सकता है फेसबुक अकाउंट। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, गूगल, ट्विटर, यूट्यूब को भेजा नोटिस। उच्चतम न्यायालय फेसबुक इंक की उस याचिका पर सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया है जिसमें उपयोगकर्ता के सोशल मीडिया अकाउंट को आधार नंबर से जोड़ने की मांग करने वाले मामलों को मद्रास, मुंबई और मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालयों से उच्चतम न्यायालय स्थानांतरित करने की मांग की गई है। उच्चतम न्यायालय ने केंद्र, गूगल, ट्विटर, यूट्यूब और अन्य को नोटिस भेज करके 13 सितंबर तक जवाब देने को कहा है। न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति अरुंधति बोस की पीठ ने कहा है कि जिन को नोटिस नहीं गया है उन्हें ईमेल से नोटिस भेज दिया जाएगा। पीठ ने कहा है कि उपयोगकर्ता के सोशल मीडिया प्रोफाइल को आधार से जोड़ने के जो मामले मध्य प्रदेश उच्चतम न्यायालय ने निलंबित किया था उस पर सुनवाई जारी रहेगी, लेकिन कोई अंतिम फैसला नहीं दिया जा सकता है। पीओके पर गिरिराज का नारा, जय कश्मीर जय भारत अब की बार उस पर। जम्मू और कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से ही पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके को लेकर के बयानबाजी का दौर प्रारंभ हो गया है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने इशारों में पाकिस्तान के उस पर जाने की बात कही है। पाकिस्तान को लेकर के अक्सर बयानबाजी देने वालों में शुमार गिरिराज ने ट्वीट करके यह नारा दिया है। उन्होंने लिखा है कि जय कश्मीर जय भारत अब की बार उस पर। इस ट्वीट को लेकर के अटकने लगाई जा रही है कि वह पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर की बात कर रहे हैं। अनुच्छेद 370 को खत्म होने पर खुशी जताई है और उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर को देश में शामिल करने के बाद ही अखंड भारत का सपना पूरा होगा। कश्मीर पर चौधराहट दिखाने वाला चीन बुरी तरह से फंसा, छाता क्रांति ने की बोलती बंद। कश्मीर पर चौधराहट दिखाने वाला चालबाज चीन इस बार पूरी तरीके से फंस गया है। इस बार चीन की छाती पर कोई महाशक्ति नहीं बल्कि हांगकांग सवार हो गया है। हांगकांग की छतरी में इस बार चीन ऐसा फंस चुका है कि न उसे निगला जा रहा है और न उगला जा रहा है। ड्रैगन की धूम पर हांगकांग ने पांव रख दिया है और हांगकांग की अनोखी छाता क्रांति ने चीन की बोलती बंद कर दी है। हांगकांग का बच्चा बच्चा चीन के खिलाफ है। ड्रैगन के मुल्क में हर पांचवा चीन के विरोध में खड़ा हो गया है। कश्मीर और लद्दाख पर बुरी नजर रखने वाला चीन का चेहरा पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो रहा है। जिस तरीके से हांगकांग को चीन अपना हिस्सा मानता है और उस पर कब्जा बनाए रखने के लिए बर्बरता की सारी हदें पार कर रहा है, उसी हांगकांग ने अब जहरीले ड्रैगन के दुम पर उसके पांव रख दिए हैं। कमर जावेद बाजवा का कार्यकाल बढ़ाने पर अपने ही घर में घिरे इमरान खान। इमरान खान के पाकिस्तान आर्मी प्रमुख जनरल कमर बाजवा के कार्यकाल को बढ़ाए जाने के फैसले पर विपक्षी दलों के नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। विपक्षी दलों के नेता ने कहा है कि इमरान खान का यह फैसला पाकिस्तान के हक में नहीं जाएगा बल्कि इससे दुनिया में गलत संदेश जाएगा कि हमारी आर्मी एक या दो व्यक्तियों पर निर्भर है। विपक्षी दल पाकिस्तानी पीपुल के एक वरिष्ठ सदस्य ने कहा है कि आर्मी चीफ का कार्यकाल बढ़ाना बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। मजबूत संगठन किसी व्यक्ति पर निर्भर नहीं रह सकती, चाहे कोई शख्स कितनी भी प्रभावशाली क्यों न हो, व्यक्ति पर निर्भर रहने वाला संगठन बहुत ही कमजोर बन जाता है। यूपी में शौचालय बने कम तो ज्यादा कैसे बनाए, सीएम योगी ने 6 जिलों के डीएम को जारी किया नोटिस। उत्तर प्रदेश में अधिकारियों की लापरवाही के खिलाफ सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त हो गई है। सरकारी योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन को लेकर के योगी सरकार निरंतर काम कर रही है। योगी सरकार ने राज्य सरकार की योजनाओं को लेकर के कुछ आंकड़े मांगे थे, जिला अधिकारियों ने आंकड़े पेश किए लेकिन गलत। सरकार की योजनाओं के गलत आंकड़े पेश करने को लेकर के नाराजगी जाहिर की है। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि जिलों में शौचालय निर्माण की संख्या अधिक बताने को लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ ने नाराजगी जाहिर की है और आधा दर्जन जिलों में डीएम को नोटिस जारी किया है। आईएनएक्स मामले में पी चिदंबरम को झटका, दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की अग्रिम जमानत। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को आईएनएक्स मीडिया मामले में झटका लग गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने पी चिदंबरम की याचिका खारिज कर दी है। पी चिदंबरम ने आईएनएक्स मीडिया मामले में अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल की थी जिसे दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। जस्टिस सुनील गोड़ आज उनकी अग्रिम जमानत याचिका को नामंजूर कर दिया है। सीबीआई ने आईएनएक्स मीडिया मामले में पी चिदंबरम के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया है जबकि ईडी ने चिदंबरम के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया हुआ है। दरअसल पिछले साल ही पी चिदंबरम की गिरफ्तारी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक दी थी। हालांकि ईडी और सीबीआई दोनों ने ही चिदंबरम की गिरफ्तारी पर रोक लगाने का विरोध किया था।
टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार का नया ऐलान। भारत ने नई ई टूरिज्म वीजा प्रणाली की घोषणा की है, जिसमें से पर्यटकों की संख्या के आधार पर वीजा शुल्क लिया जाएगा। पर्यटन पर राज्य सरकार के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करने के दौरान पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा है कि पीक सीजन जुलाई से मार्च तक अधिक संख्या में पर्यटन आते हैं, तब भारत 1794 रुपए यानी कि $25 शुल्क के साथ 30 दिवसीय ई टूरिज्म वीजा देगा। मेक इन इंडिया का कमाल, नैनी एयरोस्पेस के जरिए 15 साल से बेरोजगार कर्मचारियों को फिर मिलेगी नौकरी। 15 साल पहले प्रयागराज में 11 किलोमीटर दूर नैनी में हिंदुस्तान केबल लिमिटेड नाम की कंपनी बंद हो गई थी। इस कारण यहां काम कर रहे 128 लोगों का रोजगार छिन गया था और उनके सामने जीवन चलाने की बड़ी चुनौती खड़ी हो गई थी। अब 15 साल बाद यहां नैनी एयरोस्पेस लिमिटेड का निर्माण हो गया है। रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया का सबसे पहला और सफल उपक्रम बन गया है। इसके अंतर्गत काम आने वाले नैनी एयरोस्पेस स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस और दूसरे हेलीकॉप्टर्स के लिए बॉडी पार्ट्स और स्पेशल लूम बनाएगी। इसमें फाइटर जेट्स और हेलीपैड देश की रक्षा और सुरक्षा करने में सक्षम बनते हैं। एनआईए के 3 अधिकारियों पर हाफिज सईद टेरर फंडिंग केस में 2 करोड़ रिश्वत मांगने का आरोप। एनआईए को लेकर के बड़ा खुलासा हुआ है। एनआईए के 3 अधिकारियों पर टेरर फंडिंग मामले में 2 करोड़ रिश्वत मांगने के आरोप लगे हैं। तीनों अधिकारियों ने पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन जमात उल दावा के आतंकी और मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के टेरर फंडिंग केस में 2 करोड़ रिश्वत मांगने के आरोप लगे हैं। रिश्वत मांगने वाले तीनों अधिकारियों में एनआईए में एसपी भी शामिल है। वहीं इनमें से एक अधिकारी समझौता ब्लास्ट केस की जांच में भी शामिल रहा है। तीनों अधिकारियों को लेकर के एनआईए ने बाहर कर दिया है। आरक्षण को लेकर के मोहन भागवत के बयान पर तेजस्वी यादव ने दी तीखी प्रतिक्रिया। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत द्वारा आरक्षण को लेकर के दिए गए बयान पर राजद के तेजस्वी यादव ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि आरक्षण को लेकर के आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की भावनाओं को भली भांति जानते हैं, इसीलिए उन्होंने संविधान बचाओ, बेरोजगारी हटाओ और आरक्षण बढ़ाओ का नारा सभी को देकर के आगाह किया है। उन्होंने कहा है कि सौहार्दपूर्ण माहौल की बात करते हुए आरक्षण छीनने की योजना में काफी आगे बढ़ चुकी है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि जागो जागो और अधिकार बचाने की मसाल बनाओ। उन्होंने कहा है कि आरक्षण को लेकर के आरएसएस और बीजेपी की मंशा ठीक नहीं है। योगी मंत्रिमंडल विस्तार से पहले वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने दिया इस्तीफा। योगी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार से पहले वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। राजेश अग्रवाल ने अपने इस्तीफे में लिखा है कि अब वे 75 वर्ष के हो चुके हैं और पार्टी की रीति नीति के अनुसार वे अपना त्यागपत्र भाजपा नेतृत्व को 2 दिन पहले ही सौंप चुके थे। उन्होंने कहा है कि उनकी जगह कुछ नए और योग्य चेहरे को काम करने का अवसर दिया जाए। उन्होंने कहा है कि बढ़ती उम्र के चलते वह इस्तीफा दे रहे हैं, जिसे उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेज दिया है। 19 मार्च 2017 को योगी आदित्यनाथ ने शपथ ली थी। उस वक्त सीएम के अलावा 24 कैबिनेट मंत्री, 9 स्वतंत्र प्रभार के और 13 राज्य मंत्री शामिल थे। कुल 46 मंत्रियों ने शपथ ली थी। नियम के हिसाब के अनुसार मंत्रियों की संख्या 68 हो सकती है। ओवैसी का पीएम मोदी पर निशाना, कश्मीर द्विपक्षीय मुद्दा तो ट्रंप को क्यों फोन किया? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बातचीत को लेकर के एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। असदुद्दीन ने कहा है कि अगर कश्मीर मुद्दा द्विपक्षीय है तो प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप से बातचीत करने की क्या जरूरत थी और क्यों वह इस बारे में अमेरिका से शिकायत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप के बीच सोमवार को फोन पर करीबन आधे घंटे बातचीत हुई थी, जिसमें क्षेत्रीय मुद्दे समेत व्यापार और द्विपक्षीय संबंधों को लेकर के हुई थी। उन्होंने कहा है कि हम शुरुआत में कह रहे हैं कि कश्मीर द्विपक्षीय मुद्दा है और इस बारे में भारत का रुख काफी पहले से साफ है, बावजूद इसके प्रधानमंत्री मोदी को ट्रंप से बातचीत करने की जरूरत थी और क्यों वह इस बारे में शिकायत कर रहे हैं। चारों तरफ की मुंह की खाने के बाद अब कश्मीर मुद्दे को लेकर के आईसीजे जाएगा पाकिस्तान। चारों तरफ से मुंह की खाने के बाद कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान की सरकार ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जाने का फैसला किया है। विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने फैसले की पुष्टि की है। विदेश मंत्री ने मंगलवार को कहा है कि विवादित कश्मीर के मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ले जाने के लिए एक संवैधानिक निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा है कि निर्णय लेने से पहले सभी कानून पहलुओं पर विचार किया गया था और इस मामले को जल्द से जल्द आईसीजे में ले जाया जाएगा। उन्होंने कहा है कि कानून मंत्रालय जल्द ही इस संबंध में और विज्ञापन जारी करेगी। राजनाथ सिंह ने अमेरिकी रक्षा मंत्री से फोन पर बातचीत, अमेरिकी समर्थन की सराहना की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को अमेरिकी रक्षा मंत्री मार्क टी एक्सपर के साथ टेलीफोन पर बातचीत की है। रक्षा मंत्री ने मार्क को अमेरिकी रक्षा सचिव के रूप में नियुक्ति पर बधाई दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मार्क टी एक्सपर के साथ सीमा पर आतंकवाद का मुद्दा उठाया और क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के भारत के प्रयास के लिए अमेरिकी समर्थन की सराहना की है। राजनाथ सिंह ने कहा है कि धारा 370 से संबंधित मुद्दे भारत का आंतरिक मामला है, जिसका उद्देश्य जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए आर्थिक विकास, लोकतंत्र और समृद्धि में सुधार करना है।
25 दिन बाद हुआ येदुरप्पा मंत्रिमंडल का विस्तार। 17 विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ। जुलाई महीने में कर्नाटक में हुई राजनीति उठापटक के बाद मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के 25 दिनों के बाद आज येदुरप्पा मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है।